शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। देखिए, किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक तरफ किसान अपनी 12 मांगों को लेकर के अडिग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत के जरिए सरकार इस मसले का हल ढूंढना चाहती है। 8 फरवरी पहले दौर की किसानों के साथ पहले दौर की बातचीत हुई, 12 फरवरी किसानों के साथ दूसरे दौर की बातचीत, और आज यानी 15 फरवरी चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत हुई। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान संगठनों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन का ये तीसरा दिन है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया। सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों का आंदोलन सड़कों से आज रेल चक्का जाम तक पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 4 घंटे के लिए पंजाब के अलग अलग रेलवे रूट्स को जाम किया गया। पंजाब के राजपुरा और अंबाला में किसानों ने रेलवे पटरी पर बैठक करके अपनी मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की वजह से कई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही, और इसके अलावा किसानों ने चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया। किसान प्रदर्शन के बीच गुरनाम सिंह चडूनी संगठन ने बड़ा ऐलान किया। चडूनी ग्रुप की ओर से कहा गया कि किसान 17 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे, और इसके अलावा सभी तहसीलों में कल ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इससे पहले किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी किया हुआ है। किसान आंदोलन के दिल्ली कूच ऐलान के बीच आज पहली बार उत्तर प्रदेश की तरफ से भी किसान दिल्ली कूच करने निकले, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बस में भर करके ले गई। ये किसान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तरफ से गैस सिलेंडर और राशन लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। वहीं हरियाणा के सबसे बड़े किसान संगठन ने भी आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसी बीच किसान नेता जगजीत सिंह ढड्डेवाल का एक वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें जगजीत सिंह ढड्डेवाल कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसे नीचे लाना है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग किसान आंदोलन को अलग अलग एंगल देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि जगजीत सिंह ढड्डेवाल ने क्या कुछ कहा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकदा है। मैं बहुत बारी जदों मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं इहो कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ उहदा बड़ा उच्चा चढ़िया है, दिन साडे कोल थोड़े है, की असीं इहने थोड़े दिनां दे विच ग्राफ। तो ढड्डेवाल के वायरल वीडियो के बाद सियासी भूचाल जाहिर है, वो मच चुका है। सरकार पहले से ही शंका जाहिर कर रही थी कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। ढड्डेवाल के वीडियो पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, क्या इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने पर लोग प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करना बंद कर देंगे? जनता में ये संदेश प्रसारित हो रहा है कि ये विरोध का सही तरीका नहीं है। के कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने किसी ने बात की हो, लेकिन व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ, हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना, ये कई प्रकार के गलत संदेश देता है। सरकार और किसानों में जिस डिमांड पर ठनी हुई है वो है एमएसपी पर कानूनी गारंटी। अगर सरकार की इस मांग को मान लेती है तो फिर सरकार पर सालाना 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एमएसपी की लीगल गारंटी से इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तार्किक रूप से और देश के आर्थिक विकास के लिए और किसानों के वेलफेयर के लिए यही एक रास्ता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर सिर्फ एक यही रास्ता है तो हम चांद ताड़े तोड़ के भी ला के दे देंगे उनको। लेकिन एमएसपी पे कानून की बात कब कही गई है, कहां कही गई है, किसने कहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहा उनका हमारे गजेटियर के माध्यम से कहा गया है उसमें एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव करना है। ये बख्तरबंद गाड़ियों में किसान आते हैं क्या? ये तो उपद्रवी किसान है और एक राज्य के कुछ एक राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग हैं। देश 14 करोड़ 15 करोड़ किसानों का है और 30 करोड़ से भी ज़्यादा सहकारिता के सदस्य हैं। देश बहुत बड़ा है, देश एक राज्य में सीमित नहीं है।
एक राज्य के कुछ लोग अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लड़ने झगड़ने के लिए इस प्रकार के किसानों का प्रयोग कर रहे हैं। एमएसपी कभी भी जो कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं वो अगर ज़रूरत होता तो हमारे साथ जो कमेटी बनी थी वो तीन संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आते बैठते, हम उनसे बातचीत करते, उनको समझाते, तो ये तो संभव नहीं है। ये इस तरीके से उपद्रव मचा करके और कुछ भी कर लें ये संभव नहीं है। आम चुनाव से ठीक पहले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यदि मसला जल्द नहीं सुलझा तो आम जनता की मुसीबतें और बढ़ सकती है। किसानों के आंदोलन का असर दिल्ली के व्यापार पर भी दिखने लगा है। सीमाएं सील होने से दिल्ली के बाजारों में व्यापारियों को भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। एनसीआर से ग्राहकों का थोक बाजार में आना जाना कम हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक दो दिनों से तकरीबन 75% ग्राहकों की संख्या कम हुई। व्यापारी ट्रेन से भी आवाजाही करने से कतरा रहे हैं और यही हाल मंडियों का भी है। आढ़ाती भी अचानक कम होने से चिंतित नजर आ रहे हैं। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में 75% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, 15,000 से ज्यादा व्यवसायिक वाहनों के पहिए दिल्ली में एंटर करने से पहले ही फंसे हुए हैं। 25,000 से ज्यादा व्यवसायिक वाहन दिल्ली में ही फंस गए हैं। आंदोलन से हर दिन 4,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। किसानों के विरोध की आवाज सिर्फ भारत ही नहीं यूरोप में भी उठ रही है। यूरोप के कम से कम 11 देशों में किसान अलग अलग सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स समेत कई देश शामिल हैं। फ्रांस के किसानों ने राजधानी पेरिस तो जर्मन किसानों ने देश की राजधानी बोलन समेत कई शहरों में हाईवे को जाम किया। जनवरी 2023 से अगर आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के 76% देशों में किसानों ने कई जगहों से विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं यूरोप के तकरीबन 47% देशों में किसान प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए। इनके पीछे फसल की उचित कीमतों का ना मिलना, बढ़ती लागतें, कम लागत वाले आयात और यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी पर्यावरण नियम जैसे कारण जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के किसानों ने सड़कों पर उतर करके कम लागत वाले आयात, सब्सिडी की कमी और उत्पादन की भारी लागत को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा ही कुछ उत्तर और मध्य अमेरिका देशों में भी देखने को मिला, जहां 35% देशों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए। जहां मेक्सिको में किसान अपने मक्के और गेहूं की कम कीमतों को लेकर के नाखुश नजर आए, वहीं कोस्टा रिका में उन्होंने सरकार से मदद की मांग की क्योंकि उनका आरोप है कि उद्योग कर्ज से जूझ रहा है। तो ये बात हो गई किसानों को लेकर के, और लगातार किसान प्रदर्शन की जो आग है वो दिल्ली तक पहुंच रही है और अमेरिका तक भी कैसे पहुंची है ये भी हमने आपको दिखाया।